ऑर्डर ऑर्डर अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम मसला को आगाह किया जाता है कि मुकदमे समय की कार्रवाई के दौरान अपने अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दे। अगर किसी की मोबाइल की रिंग बजी तो 200 तो ही में अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूरे वाला आज का मुकदमा बहुत खास है और इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरा वेजलपुर बनाया है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन तक इस मुकदमे के फैसले के मुंतजिर है। मुझे नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुझे नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जाम है? साहब, इस पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है और कभी कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार ध्यान फेरता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अपना कुछ अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जो जुर्म किया है उसे कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सलीम दी है और अच्छे बुरे की तमीज करते हो तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? इजाजत है। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ हफ्ते के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। योर ऑनर, इस पर की संगीन इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम अपने पढ़ाई के कामों में कम और मोबाइल के कामों में ज्यादा गुम रहता है। हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहता है या कवाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो ईयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए बात करते नजर आता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका भी जुर्म नाकाबिले कबूल है। क्या इनकी तरफ से कोई सफाई का वकील है? जी हाँ। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन है कि इस पर कोई कलम लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा से एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। गुजरे वाला, यह मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। गुजरे वाला, यह मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा वर्कशॉप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इसे हमेशा परेशान रहती है। काम करने काज का दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफा मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और फिर ये कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त तो 33-10 मोबाइल था, अगर स्मार्टफोन होता तो तुझसे शादी ही न करता। जज साहब, इसका घर दूर का डिफेंड कर रहा है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। ये तो इतना ही संगीन जुर्म में है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो क्या है? मुझे जाए पिटने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जाए में किसी किस्म की परेशानी ना हो। छोटा सफर करो, इतनी भी जल्दी क्या है, हम तुम्हारे भाई जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। इस बंदे पर भी सबसे ज्यादा आरोप है। ये मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अपराध हैं उन सबके पास भी है, और तो और वाईफाई भी घर में लगा रखा है ताकि
वह नौजवान अच्छा पर लगे हुए हैं, बल्कि अच्छा मैसेज करने से ज्यादा कॉपी पेश और पोस्ट करने में ज्यादा लगे हुए हैं। अगर भूले से भी मोबाइल के नुकसान वाली कोई पोस्ट आ जाए तो ये सोच कर उसे पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा मुझसे है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बुरे भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली पिछड़ी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फानंदोज होते हैं। और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो इन मौकों को गनीमत जानकर अपनी पुरानी पिक्चर भी देख लेते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है, गवाह नंबर एक को हाजिर किया जाए। अरे ये तो मेरा बेटा है। जस साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने लगे रहते हैं, कभी कभी मुझे उनकी जिंदगी पर तरस आता है कि मोबाइल मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने मशगूल, तो मैंने ऐसा कौन सा वसूल किया। मैंने 400 रुपया दिया तो वसूल भी तो करना पड़ेगा। आपकी वाईफाई तो ये वाईफाई हर करे जिसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुझे नंबर पांच को हाजिर किया जाए। मुझे नंबर पांच हाजिर हो। आली जनाब, यह मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। यहाँ तक कि कोई तकलीफ में हो यह उनकी मदद करने की बजाय वीडियो उठाना शुरू कर देता है। इसी तरह हर शख्स के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। और इसी बस नहीं, बल्कि उसे फेसबुक पर अपलोड करके लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बेचैन है। इजाजत है, गवाह नंबर दो को हाजिर किया जाए। वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म होते हैं और पुलिस क्या कर रही है, इन सबको आज अदालत में हाजिर किया गया है। दरअसल लोग और अदालत का खतरा होने की वजह से पेश नहीं किया गया है, लेकिन आपकी मालूम के लिए ये अर्ज कर चुके कमरा अदालत में आप जरा गौर से देखे तो अभी भी वो सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने बहाने से। और इस मुलजिम के घर के खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे के फैसले के मुंतजिर है और अभी भी उनके हाथ से मोबाइल नहीं छूटा, तो हुजूर वाला इनका क्या किया जाए। तमाम मुलजिमों को कठघरे में हाजिर किया जाए। तमाम बयान और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुजरिमों के इल्जाम साबित हो चुके हैं। तमाम मुजरिमान के संगीन जुर्म की वजह से धारा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए का मुशक्कत सुनाती है, ताकि इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सके। अदालत के कमरे में मौजूद तमाम लोगों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है, उसे सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपना वक्त बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है, लिहाजा ये अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल के बगैर कुछ वक्त गुजार कर देखो तो सुकून मिलेगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे, और घर के नौजवान जो मुआशरे की रीढ़ की हड्डी और मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें जो अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और कौम की तरक्की का सोचे, यह उनका अव्वलीन फरीजा है। घर की औरतें संजीदा हो जाए ताकि इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सके और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे।
मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे ताकि घर को बेहतरीन तरबियत का बना सकते हैं। घर के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इस बात पर सोचना होगा और उनका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि अदालत में मौजूद सब लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक तारीख एक तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौमी मिल्लत के लिए एक समय तैयार करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, इस पर ज्यादा बर्खास्त होती है।